क्वेश्चन दो रूप में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कि दुनिया में बढ़ रही है, तो एक स्टेटमेंट है कि रियल में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और प्रभाव, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो डाल ही रही होगी, तभी बढ़ रही है, और बढ़ने से कुछ और प्रभाव डालेगी वो। तो अगर हम कारणों पर जाएं और मूल कारण पर जाएं, तो जैसे सारे क्षेत्रों में अफरा तफरी और विकृति है, शालीनता और अश्लीनता में भी विकृति आई होगी। एक बहुत पुरानी कहानी है कि शालीनता और अश्लीनता में अंतर कहां से आता है, तो भागवत कथा सुनी होगी तुमने। भागवत कथा के शुरुआत में ये कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिला कि अगले 7 दिन में आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब उनसे कहा गया कि आप भागवत सुने, तो उस खोज में वो निकले। उनको बताया गया कि भागवत या तो व्यास जी कह सकते हैं या उनका बेटा सुखदेव। तो राजा खोज में निकले और चलते चलते उनको और घोड़े को प्यास लगी, तो एक तालाब के किनारे वो रुके और जैसे ही पानी पीने पहुंचे तो देखा कि स्त्रियां स्नान कर रही, और वो सारी स्त्रियां उनको देख के ठहकी ठिठरी और थोड़ा छिप गई। तो राजा ने देखा कि बच्चियां नहा रही हैं, पीछे हट गए और इंतजार करते रहे कि वो नहा के चली जाए, तब हम पानी पी लेंगे। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग सज्जन आए, सफेद दाढ़ी, और गए और जोर से खखारा, तो सारी स्त्रियां लड़कियां वो छिप गई, और वो बुजुर्ग सज्जन ने आराम से स्नान किया, और जब वो चले गए तो लड़कियां फिर आई। फिर थोड़ी देर में एक नग्न युवा वहां पहुंचा, उसने नहाया, लड़कियां भी नहाती रही, वो नहा के चला गया, लड़कियां भी थोड़ी देर बाद नहा के आई। तो राजा को बहुत अजीब लगा। तो जैसे ही वो स्त्रियां बाहर निकली, राजा ने पूछा कि मैं यहाँ का राजा परीक्षित तुमसे कुछ पूछना चाहता। तो सम्मान में बोले हाँ। बोले मैं एक अजनबी तालाब में आया पानी पीने, और मुझे देख के आपका चौंकना स्वाभाविक था, फिर आप चौंके और हम हट गए। उसके थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग सज्जन आए, सफेद दाढ़ी, और वो नहाए और आप सारे लोग उनसे छिप के दूर चले गए, थोड़ा समझ में आता है। लेकिन फिर एक नग्न युवा आया और आप लोग वैसे ही स्नान करते रहे, ये हमें समझ नहीं आया। तो लड़कियों ने कहा कौन सा नग्न युवा आया, कोई तो आया नहीं वहां। नहीं, वो एक आदमी आया था नहा था। अरे बोले सुखदेव की बात कर रहे हो, उन्हें तो हम बचपन से ही ऐसा देख रहे हैं। ना सुखदेव को कोई अश्लील चीज ध्यान आई, ना लड़कियों को आई, और वो नहाते रहे। तो मन में चीजें अंतर लाती हैं कि आप शालीन हैं तो आपके पास से ऐसी सुगंध या दुर्गंध नहीं उठती है कि दूसरा अफेक्ट हो, आपको लोग प्राकृतिक ले सके। तो सिर्फ जब आप पहुंच गए और उससे ऊपर उठ गए, तो केवल आप ही को असर नहीं होता, सामने वाले को भी असर नहीं होता। तो महावीर जैन जब इस स्टेज पे पहुंच गए कि उन्हें कोई असर नहीं है, तो कपड़े पहने या ना पहने बराबर। तो महावीर को महावीर ही इसलिए कहा जाता है कि वो उस स्टेज को पहुंचे जिसमें सुखदेव बचपन से थे। अब कोई कपड़ा उतार के सोचे कि महावीर बन जाए तो ये विकृति है, और घूम रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम महावीर हैं, पूरा समाज उनके पीछे, तो अश्लीलता बढ़ेगी। आपके समाज में ना बढ़े, लेकिन जो दूसरे समाज हैं वो देख के, हो सकता है उन बाबा जी को कोई असर ना हो लेकिन दूसरे को तो हो सकता है, और घटनाएं आती हैं, क्योंकि महावीर होना एक घटना है, गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह होना एक घटना है। उनके कपड़े पहन के कोई सोचे कि गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे तो बवाल खड़ा हो गई होगा। तब विकृति ना आए, कृति बनी रहे, तब प्राकृतिक रहे तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकृति में जो सबसे बड़ी गिरावट शुरू हुई, उसके अगर मूल कारणों में चले, तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि सांड बैल में परिवर्तित हुआ और खेती उससे हुई, वहां से शुरुआत होती है गिरावट। तो सांड को बैल बना दिया और प्राकृतिक रुक गए,
गायों की संख्या बढ़ी और सांडों की संख्या कम हुई, तो अप्राकृतिक संबंध बने। और जैसा खाओगे जैसा अन्न वैसा मन, तो इस पूरी पूरी प्रक्रिया से व्यभिचार बढ़ा, इंसेस्ट बढ़ा, और ये 2500-3000 वर्षों से चल रहा है, ये एक दिन का नहीं है। तो जैसा कहा कि इसमें विकृति आई है तो समाज में सारे क्षेत्रों में आया है, क्योंकि काम अगर चक्रों की बात करें तो मूल आधार है, ऊर्जा ही वहीं से आती है। जैसे किसी पेड़ का तना टेढ़ा हो जाए तो पूरा पेड़ सीधा हो ही नहीं सकता, तो मूल में ही विकृति आ गई तो सारी विकृतियां स्वाभाविक है, आएंगी ही, उनके परिणाम है। और जब सांड से बैल बना तो तुम देखोगे कि खेती में बैल बहुत मेहनत करता है और किसी को मारता नहीं, क्योंकि मारने की शक्ति उसकी खत्म हो गई। सांड से खेती करना बहुत दिक्कत है। भारत में कहते हैं कि ऋषि खेती होती थी वह सांडों से होती थी, तब आदमियों में ही हिम्मत नहीं बची तो बैल से आप जोत रहे हो। और इसके बहुत सारे परिणाम हुए, बहुत प्रयोग हुए। लोगों ने देखा कि अगर आदमी को बैल बना दिया जाए तो उससे कितना भी काम कराओ वो काम करता रहेगा, चू भी नहीं बोलेगा। तो सबसे पहला प्रयोग बौद्ध धर्म ने किया कि बहुत सारे भिक्षु बना दिए, वो प्रकृति से दूर हो गए, और हजारों भिक्षु, महिलाओं के आने की पाबंदी। पहली महिला वहां वैशाली की नगर वधु आई, उसको बुद्ध मना नहीं कर पाए, लेकिन सेक्स निषेध था। अगर हम सनातन धर्म में देखें तो ब्रह्मा के अलावा आपको कोई अकेला नजर नहीं आएगा, गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो जो दिमाग के धर्म हैं वो बैलों की तरह जोतने के लिए अपने संघ बनाएंगे। और नगर वधु वहां आई तो दूसरे धर्मों में इसका देखा देखी जो मिशनरी फॉर्म, आदमी को हेड बना दो और नीचे स्त्रियां रहें, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो राजनीतिक जैसे लगेंगे आपको, मिशनरी फॉर्म रखेंगे, उनका एक हेड होगा, नहीं तो धर्म को प्रचार करने की क्या जरूरत है, यह तो व्यक्तिगत है और पूरे धरातल में। जो किसी रीजन से निकला वो रिलीजन हुआ और रीजनल हुआ, और जो पूरी अर्थ से निकला वो इटर्नल है, धरा से निकला वो शाश्वत है, धर्म है। तो उसके प्रचार प्रसार की जरूरत क्या? तो 2500 वर्षों में जो प्रचार प्रसार के धर्म आए वो विकृतियां लाए, और उनसे वो धर्म भी अछूते नहीं रहे जो धर्म का प्रचार करते नहीं थे। हिंदू धर्म में आज अगर आप देखें तो कृष्ण को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन समाज कहता कि मर्यादा पुरुषोत्तम की रहो, तरह रहो, एक पति एक पत्नी। लोग राम के बापू को भूल जाते हैं, कृष्ण की राधा और पत्नियों को भूल जाते हैं, द्रौपदी को भूल जाते हैं, कि जो प्रकृति ने दिया है उसके आयाम क्या होंगे और कैसे आगे बढ़ेगा। मॉडर्न टाइम्स में 2-3 किताबें हैं जिन्होंने इस पर बहुत स्टडी की है, एक साइको डायनामिक्स ऑफ योगा एंड सेक्स डॉक्टर शुभकरण की है, कि डायनामिक्स क्या है इसकी। दूसरा जो स्टडी इस पे की है वो पंडित गोपी कृष्ण ने, कुंडलिनी, और दूसरी उनकी बुक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिलीजन एंड जीनियस। तो पंडित गोपी कृष्ण कहते हैं कि जो मूल ऊर्जा है, जो काम की शक्ति है, जिनकी कुंडलिनी जागरण हो गई है, वही वह सहस्त्र सार तक जाती है, वो सातों चक्रों को पार करके उसको प्रकाशित करती है। लेकिन जिनकी कुंडलिनी जागरण नहीं हुई, अगर वह ऊर्जा निकास नहीं होगी तो बदबू मारेगी। तो ऐसे जितने संगठन हैं, राजनीतिक, धार्मिक, भारत में भी हैं और दुनिया में भी, इतने जितने धर्म हैं उनमें सड़ांध आती है, बदबू आती है। कुछ कहते हैं कि शादी मत करो क्योंकि उनको बैल की तरह जोता जा सके, कुंडलिनी जागरण हुई नहीं है, निकास है नहीं, तो बदबू मारते हैं। दूसरे कहते हैं कि शादी कर लो, बच्चे मत करना, तो पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। तो ये
चीजें चलेंगी। और ये विकृति बहुत है। जब इतने लेवल पे विकृति है तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्तर होगा पूरी दुनिया का। जो दिखाई दे रहा है वो इसी का परिणाम है। आप ताज्जुब करोगे कि यहूदी धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम धर्म में भी नहीं है कि मिशनरी बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ, प्रचार प्रसार करो। वो तलवारों के दम पे बड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन आपको लोग एक इंस्टीट्यूशन जैसे काम करती है वैसे वो काम नहीं करते। तो विकृतियों का ये दौर है और लोग इतने विकृत हो गए हैं कि वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। जैसा कि एकाध बार हमने पूर्व में कहा है कि अगर पूरी प्रकृति को लें तो भगवान ने हमें बनाया तो उसका कोई भी चीज खराब कैसे हो सकता है। अगर वो मेल और फीमेल नहीं बनाते, पेड़ों जैसे बनाते तो एसेक्सुअल बनाते, अमीबा है, एक ही तरह है, काटो दो हो जाते हैं, अलग की जरूरत ही नहीं। तो ये गति प्रदान करने के लिए जो दो चीजें हैं वो दोनों मिलकर ही पूर्ण होंगे। तो ये स्वाभाविक आकर्षण है कि बनेंगे। और चूंकि अलग अलग हैं इसलिए ऐसी व्यवस्था भी है कि वो अलग अलग भी सर्वाइव कर सकें। तो एक लड़की जन्म हुई तो मृत्यु भी लड़की रूप में ही होगी, कुछ बदल सकते हैं, और लड़का हुआ वो लड़के रूप में ही बदलेगा। और जो भगवान ने एक्स्ट्रा शक्ति दी ट्रांसजेंडर, जो सारे साधु संत कहते हैं कि कर्म से काम से विमुख हो जाए, वो उनको बचपन से दे दी। तो या तो वो बहुत ताकतवर होते हैं ट्रांसजेंडर जो है, या क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर ही कह लीजिएगा, या तो बहुत ताकतवर होते हैं या जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जो फोस्ट बदिया किए हुए हैं वो नहीं चलेंगे। तो जब सेक्स की एक विधा है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके प्रोग्रेशन की भी विधा होगी। तो तुम बच्चों को देखे होगे कि वो खेलते रहते हैं, नंगे होके दौड़ते रहेंगे और अपने ही शरीर से खेलते रहेंगे। फिर जैसे ही बड़े होते हैं तो लड़कियों को लड़कियों का आकर्षण और लड़कों को लड़कों का आकर्षण होता है, और फिर उसके बाद विपरीत का आकर्षण होता है। और वो आकर्षण जब पूर्ण हो जाए तो जैसा सुखदेव की स्थिति है वहां पहुंच जाएंगे। अगर कोई पहली स्टेज पे ही रुक जाए और सब चीजें निषेध कर ले तो जिंदगी भर बच्चा बना रहेगा। और अगर दूसरी स्टेज पे रुक जाए कि लड़की लड़कियां, तो लेस्बियंस एंड गे, ये विकास उनका रुक गया, ये बहुत ग्लैमर नहीं है, ये अविकसित लोग हैं, इन पे दया की जा सकती है और दया दिखानी चाहिए। और अगर उनके विकास का कोई मार्ग नजर आए तो उनको, ना कि इसको प्रोत्साहित करें। ग्लैमराइज करने की और सरकारों को कानून बनाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरे रूप में जब आते हैं विपरीत का आकर्षण, तब प्रकृति आगे बढ़ती है, प्रोक्रिएशन होता है, फेथ डेवलप होता है नेचर पे कि हम आए थे और हम अपने जैसा दूसरा पैदा करें, और ये इनेट होता है सब में। अब अगर इसको रोक दो कि शादी करना है बच्चे नहीं करना, तो महिलाओं में ज्यादा विकृति आएगी। तो ऐसे जितने संगठन हैं जहां वहां महिलाएं हैं तो बहुत विकृत है, और ऐसे संगठन चल नहीं पाए दुनिया में 60-70 वर्ष के बाद सेल्फ डेथ की तरफ, सुसाइड की तरफ अग्रसर हुए, इसलिए वो दुनिया में एक सिस्टम दे नहीं पाए। अब विपरीत के आकर्षण में कोई पूर्णता को प्राप्त हो तो हमने एक बार कहा था कि तीन तलों में चीजें होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्त अवस्था। आप जागरण में तो एक से प्यार कर रहे हैं लेकिन सपने में कोई दूसरा आ रहा है, लेकिन जगा के आपको पूछा गया सोते में तो आप जो ओरिजिनल है वही नाम आ गया। तो एक तीन तलों में, फिर तीन चरणों में आप देखोगे कि बच्चियां फादर को और बच्चे मदर को प्यार करते हैं। और कई बार सुना होगा कि शादी होती है और लड़की लड़के को बाप के रूप में देखती है कि मेरा बापू ऐसा था, मेरा बापू ऐसा है, और लड़का लड़की को चाहता है कि जैसे उसकी माँ खाना बना के खिलाती थी, सेवा करती थी, वो वैसे ही करे। तो ये स्वाभाविक चीजें होती हैं कि लड़का पत्नी को पुत्री रूप में देखता है, या लड़की अपने हस्बैंड को पिता रूप में देखती है शुरुआत में,
फिर वो पत्नी बनती है। और ऐसे ही लड़का लड़की को मां के रूप में देखता है। जब फ्रायड ने ये एनालिसिस किया विच्छेदों पे, तो परेशान हुए, क्या ये लड़के मां से और लड़कियां बाप से? तो पूरी एनालिसिस की उन्होंने, साइको एनालिसिस। लेकिन जब उनके चेले जुंग ने कहा कि अपना भी साइको एनालिसिस करा लो, तो वो नहीं कराया कि कहीं मेरे दिमाग में भी तो यही वृत्ति नहीं है। और फ्रायड चूंकि विक्षिप्तों पे किए थे, इसलिए वो वहां रुक गए। अगर आगे बढ़ते उससे, तब वो देखते कि नहीं, ये स्वाभाविक है कि लड़की जिस पुरुष के संपर्क में आती वो सबसे फिर वो पति के रूप में होती। भारत में कहते हैं कि जो बहुत प्यार करते थे और साधु उनको आशीर्वाद देते थे, तो कहते तुम्हारे 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। तो इतना प्यार हो कि वो पति को पुत्र की तरह ट्रीट करने लगती। तो बच्ची से शुरू होती है, पत्नी पे आती है और मां पे तब्दील हो जाती है। ऐसे ही लड़के के लिए पुत्री से शुरू होती है, मां पे आती है और पत्नी पे आती है और मां पे समाप्ति। विकृत लग सकता है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त करने में यही चरण है। तब जाके बोलते हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तो ये चीजें चलती हैं। अब ये एक स्त्री से हो जाए या बहुत सारी स्त्रियों से, एक पुरुष से हो जाए बहुत सारों से, उस तल में यात्रा, ये थोड़ा अलग है। फिर कहते हैं कि जो संसर्ग है वो 7 जो चक्र हैं उस सभी को झंकृत कर सके, तब वो व्यक्ति सहस्त्र सार तक पहुंचेगा। तो मूल से जो यात्रा है वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सारे सेंसेस, मणिपुर, दिल, अनाहत, विशुद्ध, आवाज, आज्ञा और फिर सहस्त्र। तो कौन किसको करे, वो पूर्णता। और जब पूर्णता प्राप्त हो गई किसी को, तो उसके सामने विपरीत सेक्स का कोई बैठा होगा तो उसको ही कोई फीलिंग नहीं होगी, सामने वाले को भी नहीं होगी। दूर से देखने वालों को लग सकता है क्या भी बैठे हैं, कुछ चल तो नहीं रहा, बट उन दोनों के बीच में एक सहजता होगी, सम्मान होगा, असहजता नहीं होगी। तो ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री कामुक नजर आएंगे अपने जीवन के पुराने रूप को देखते हुए, लेकिन अगर वो पूर्णता को प्राप्त हो गए तब चीजें बहुत सहज हो जाएंगी, तब अश्लीलता और अश्लील चीजों की जगह ही नहीं है। आज हालत यह है कि नलका है, पानी नलके से नहीं आ रहा और पानी दूर से टपक रहा है, सेक्स को लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं और दिखाई सारे दूर रहे, ना उसमें डूब पा रहे हैं, ना उसने गहनता में कर्म कर पा रहे हैं, लेकिन चर्चा सारे दूर है। रियलिटी नहीं है, चीजें अनरियल को रियल बना लिया, अनरियल रियल हो गई। हिंदू धर्म में नंदी की पूजा करते हैं और सांड को बैल बना देंगे तो श्राप लगेगा। गाय को मां बोलते हो, बच्चे को मार देते हो, श्राप लगेगा, व्यभिचार बढ़ेगा और ये बढ़ रहा है। तो जो पोर्नोग्राफी दिख रही है, जो प्रोस्टिट्यूशन दिख रहा है, इस पर व्यवसाय चल रहा है, इसके मूल कारण में ये है कि हम वहां से भटक गए हैं। तब लोग इसका फायदा ले रहे हैं, वो इसको व्यापार की दृष्टि से देख रहा है, कोई आइटम की दृष्टि से देख रहा है, जिसका जैसा सोच उस हिसाब से देख रहा है, और बाकी लोग परेशान है, और परेशानी का मूल कारण। अगर निवारण चाहिए तो सबसे पहले, जैसे देश में पिछले 10 वर्षों में गायों की संख्या 23% बढ़ी और सांडों की, बैलों की संख्या कम हो गई, तो शुरुआत वहां से करनी होगी, तब सामर्थ्य आएगी चीजों में। तो कृष्ण जी गाय को लेके चले ऐसे ही नहीं है, वो पूरे गौ वंश को लेके चले। भैंसा के पता लगा, जाड़ा आता है उसको खाना नहीं देते, 3 दिन में भैंसा मर जाता है, भैंस भैंस नजर आ रही है। और विकृति कहां से शुरू हो गई कि आज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से चीजें हो गई, तो मूल से तो भटक ही गए। तो ये सारे उसके परिणाम है। तब हमें न उन इंस्टीट्यूशंस को, न उन रिलीजन को अटैक करने की जरूरत है कि वो ठीक हो, मूल को ठीक करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें बदल जाए। हो सकता है ये धर्म ही खत्म हो जाए, हो सकता है ये संगठन ही खत्म हो जाए, और उनको खत्म होना जरूरी है। ये विकृत चेहरा है समाज का।
इसलिए भारत में शंकराचार्य ने कुछ को बाहर किया भी था। ये अजीब लग सकता है, ये वायलेंट स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि धर्म के प्रचार की जरूरत नहीं है। धर्म है, अपने आप फैलता है, माउथ टू माउथ, फीलिंग, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशंस। कमजोर प्रचार करते हैं, अपना कुनबा बनाते हैं, ना समझ। इसलिए भारत में इन चीजों को ध्यान नहीं दिया गया। तो मूल पे चीजें करनी है। गौ, सांड, बैल नहीं, भैंसा, भैंस, ये जोड़ी रहे। दूध बच्चों के लिए, जवानों के लिए नहीं, या बुजुर्ग जो बीमार हो जाएं, तब चीजें ठीक होंगी।